विपक्ष को भला बुरा की गोली मारो सालों को। रक्षा मंत्री हो हम जानते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है, सुंदर रहता है उसका पर्यावरण। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा जो गांधी जी की मूर्ति के समक्ष हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका केवल और केवल एक उद्देश्य है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हम प्रार्थना करने आए हैं, उनके चरणों में वंदन करने आए हैं कि इस कांग्रेस सरकार को माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को सद्बुद्धि दे। जिस प्रकार से 4.5 वर्षों तक लगातार उनके शासन से इस प्रदेश की जनता पीड़ित रही, चाहे वो इस प्रदेश का युवा हो, चाहे प्रदेश की महिला हो, चाहे हमारा दलित वर्ग हो, जिस प्रकार से उन सब का शोषण किया गया, उस सब से त्रस्त होकर के जनता अब जो है पीड़ा के उत्कर्ष चरम तक पहुंच गई है। और जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम इस प्रदेश की सरकार ने किया है, RPSC जो एक संवैधानिक संस्था थी, जो अपनी एक मान और प्रतिष्ठा के लिए संस्था जानी जाती थी, आज वो RPSC के फुल फॉर्म राहुल पेपर सेल कमीशन के नाम से जाने लग गई। जिस प्रकार से 18 बार पेपर लीक हुए, परीक्षा निरस्त हुई, हजारों लाखों युवाओं का सपना जो भविष्य का था वो चकनाचूर हुआ, उनके लाखों रुपए उनके इस प्रतियोगी परीक्षा में खर्च हुए जो वेस्ट गए, और उसके बाद भी जब स्पष्ट रूप से ध्यान में आया कि जिस माननीय अशोक गहलोत ने जिनको यहाँ पर सदस्य नियुक्त किया था बाबूलाल जी कटारा, वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, आज जेल की सलाखों के पीछे है। अभी 10 दिन पूर्व जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के पूर्व घुमंतु बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल केसावत को 18 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और उनके तार RPSC सदस्य मंजू शर्मा से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, स्पष्ट प्रतीत होते हैं, तो कुल मिलाकर के एक भ्रष्टाचार की लगातार जिस तरह से जो चरम सीमा थी सरकार ने प्राप्त कर ली है, और उन सब से त्रस्त होकर के इस प्रदेश का युवा अब सड़कों पर उतर चुका है। 3 दिन पूर्व आप सबने देखा होगा जिस प्रकार से युवा मोर्चा ने अपना एक विशाल प्रदर्शन किया और जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज इस कांग्रेस सरकार द्वारा कराया गया, उन सब की भी निंदा करने के लिए और उसका विरोध करने के लिए आज हमने धरना दिया है कि अशोक गहलोत को सद्बुद्धि आए, इस सरकार को सद्बुद्धि आए, और जिस प्रकार से ये जनता अब चूंकि जाग चुकी है, सड़कों पर आ चुकी है, सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर जाए।